नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमत न्यूज में। ऑटो एक्सपो का आज पहला दिन है। जनरल पब्लिक के लिए आज ऑटो एक्सपो को खोल दिया गया है और अब इस वक्त मैं खड़ा हूँ टाटा के पवेलियन में। टाटा के पास काफ़ी कुछ है इस बार दिखाने के लिए। टाटा ने दो नई कार कॉन्सेप्ट कारें पेश की हैं इस ऑटो एक्सपो में। एक झलक आप ये देख सकते हैं, ये एक प्रीमियम हैचबैक कार होगी। फिलहाल ये इसका कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया गया है। कंपनी का कहना है कि ये कार अभी अगले दो सालों के अंदर भारत में लॉन्च कर दी जाएगी। इसके अलावा कंपनी ने एक और एसयूवी की कॉन्सेप्ट मॉडल को पेश किया है, जो कि आप वहां पर देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसे लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मॉडल है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, पहला दिन है, इसे लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि ऑटो एक्सपो में घूम रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपना नाम बताइए आप प्लीज। सुजाता कुमारी विश्वकर्मा। सुजाता, आप ऑटो एक्सपो देखा आपने? हाँ, ये मेरा फर्स्ट विजिट है। अच्छा, कौन सा पवेलियन आपको सबसे अच्छा लगा? मारुति। अच्छा, टाटा में आपको क्या अच्छा लगा? अभी जो न्यू लॉन्च हो रही है, मतलब ये जो फ्यूचर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो 4SX और HSX वो वाली अच्छी लगी। अच्छा ठीक है, बाइक ज़्यादा पसंद है आपको या कार ज़्यादा पसंद है? कार पसंद है ज़्यादा। कार पसंद है, ठीक है। तो कुछ ऐसी ऑटो एंथुसियास्ट जो हैं यहाँ पर आते हैं, युवा आते हैं जिनको गाड़ियों से अच्छा खासा लगाव होता है। मेरे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। आप अपना नाम बताइए। कमलेश मिश्रा। कमलेश जी, कौन सी गाड़ी पसंद आई है आपको? ये तो वैसे मारुति की पसंद है। मारुति की पसंद है। मारुति की कौन सी गाड़ी अच्छी लगी आपको? मारुति जो अभी इन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया फ्यूचर एस। अच्छा, बेसिकली क्विड को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया है और मार्केट में शायद जल्दी लॉन्च करेंगे वो। और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी प्लान है उनका। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए तैयार हैं, अगर आपको आज मैं कहूँ कि आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदो तो क्या आप खरीदोगे? अभी तो नहीं सर। क्यों नहीं खरीदोगे? अभी तो सर उसके बारे में अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है। अभी इलेक्ट्रिक का प्लान है। आपको इन्वायरमेंट से प्यार है? प्यार है सर। आप उसको बचाना चाहते हैं? यस सर। फिर इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं खरीदे? इलेक्ट्रिक कार तो अभी लॉन्च होने में टाइम लगेगा, 20 में। जब भी लॉन्च होगा आप इलेक्ट्रिक कार खरीदोगे? लेंगे सर, लेंगे। एनवायरमेंट में बचाना तो लेने को पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों में हर तरीके की इलेक्ट्रिक कार को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लोग कॉन्सेप्ट कार देखने आ रहे हैं और लोग बाइक देखने आ रहे हैं। हालांकि अभी भी लोगों के मन में ये डर है कि इलेक्ट्रिक कार को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है उनके मन में। लेकिन मैंने सचिन से सीधा सवाल पूछा कि क्या वो आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए तैयार नहीं हूँ। बने रहिए लोकमत न्यूज़ के साथ, आगे और भी बहुत कुछ है आपके लिए ऑटो एक्सपो में।